सभी दोस्तों का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऑल ट्रेवल्स पॉइंट इन इंडिया में। दोस्तों ऐसा लग रहा होगा कि आप लखनऊ या कानपुर में हैं, लेकिन दोस्तों हम लोग हैं मुंबई शहर के सबसे बड़े होलसेल मार्केट में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ियां आपको कानपुर में और लखनऊ में नजर आएगी, लेकिन आज हम आपको लेकर आए हैं मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के पास में। वहां से करीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर है दोस्तों, और ये मुंबई का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट है दोस्तों। और दोस्तों इस जगह का नाम है मुंबई का क्रॉफर्ड मार्केट। दोस्तों यहां पर हर तरह की होलसेल में आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपके घर में शादी ब्याह या कोई भी आपको बर्थडे, आपकी बर्थडे पार्टी है, तो उसका पूरा का पूरा सामान यहां पर आकर आप खरीद सकते हैं और अपने हजारों रुपए आप बचा सकते हैं। दोस्तों यहां पर कपड़ों से लेकर ड्राई फ्रूट से लेकर शूज, एनिमल्स, इवन अगर आपको पेट्स वगैरह खरीदना है, आपके घर में अपना छोटा डॉगी लेकर आना है, तो यहाँ पर आकर आप खरीद सकते हैं। आप बर्ड्स खरीद सकते हैं, पैरट्स खरीद सकते हैं, और जो भी आपको एनिमल से रिलेटेड और बर्ड से रिलेटेड जो भी चाहिए, इवन टॉयज कछुआ खरीद सकते हैं, और लेडीज आइटम और किराने का जितना भी सामान है दोस्तों, जो भी शादी ब्याह में लगता है या आपको बहुत ही बड़े लेवल पर कहीं पार्टी कर रहे हैं दोस्तों, तो यहां पर आकर आप परचेसिंग करके आपके हजारों रुपए आप बचा सकते हैं। इस जगह पर आने के लिए दोस्तों आपको मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल आना पड़ेगा सबसे पहले, जिसे कि CSMT स्टेशन मुंबई कहा जाता है, और वहां से आप किसी से भी पूछेंगे क्रॉफर्ड मार्केट मुझे जाना है, तो आप वॉकिंग डिस्टेंस भी आप पैदल चलकर भी आ सकते हैं। आप 1 किलोमीटर की दूरी पड़ती है, ये क्रॉफर्ड मार्केट है और पेट्स मार्केट भी है और एनिमल मार्केट भी है यहीं पर दोस्तों। और आप जो भी सामान आपको चाहिए वो सारा का सारा सामान आपको यहाँ पर मिल जाएगा दोस्तों। अगर आपके घर में बर्थडे पार्टी है या किसी की शादी ब्याह का कार्यक्रम है, अगर आपको कपड़े खरीदने हैं, जूते, चप्पल, गहने, ड्राई फ्रूट्स और लेडीज आइटम्स और जितना भी किराने का सामान है वो जो भी खरीदना है, इवन घर का डेकोरेशन का सामान है दोस्तों, और जितने भी डेकोरेशन से रिलेटेड जो सामान है सब खरीद सकते हैं। ये सामने आप ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये मस्जिद है और बहुत ही खूबसूरत, और यहाँ पर आकर आप अपना पूरा का पूरा साजो सामान यहाँ पर खरीद सकते हैं और आप हजारों रुपया बचा सकते हैं। ये ऐसा लग रहा है ये ट्रॉली को देखकर जैसे कि हम कानपुर में घूम रहे हैं। हाँ दोस्तों, मुंबई शहर जहां पर भी होलसेल मार्केट रहते हैं दोस्तों, सभी जगह के हालात ऐसे ही रहते हैं, क्योंकि सभी लोगों को सस्ता सामान, सस्ते सामान की जरूरत रहती है। जहां पर इंसान को पैसे बचते हैं तो वहां पर इंसान बचाता भी है। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि जब भी जो मुंबई के निवासी हैं, खासकर अगर आपको अपने घर में बर्थडे पार्टी है या बहुत ही बड़ा शादी ब्याह का सेलिब्रेशन है, और अनाज से रिलेटेड जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, किराने का सामान है, पूरा का पूरा सामान यहां पर आप टैक्सी लेकर पूरा लोड करके, इवन गैजेट्स हैं, यहां पर आकर आप पूरा का पूरा सामान ले जाकर मुंबई का सबसे बड़ा होलसेल मार्केट दोस्तों इसे कहा जाता है, ये क्रॉफर्ड मार्केट के नाम से भी जाना जाता है, और इस जगह को अब्दुल रहमान स्ट्रीट के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों।
बट आप किसी से भी क्रॉफर्ड मार्केट पूछेंगे तो मुंबई शहर में बहुत ही फेमस जगह है क्रॉफर्ड मार्केट। ये सीएसटी स्टेशन के बिल्कुल करीब है। अगर आप चर्चगेट स्टेशन भी आप आ जाते हैं तो वहां से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थित है। और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराज स्टेशन से दोस्तों ये 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, तो बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं होगी और आपके हजारों रुपए बच जाएंगे। और ये दोस्तों मुंबई शहर का सबसे बड़ा मार्केट हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। और ये यहाँ की लोकेशन को आप ये देख सकते हैं। कभी भी आप आना चाहें तो आप डगमगाएंगे नहीं। तो चलिए अब हम आपको यहाँ से चर्च गेट तक का भी सफ़र आपको तय कराएंगे। तो चर्च गेट स्टेशन यहाँ से कैसे जाना है और बीच में खूबसूरत जगहों का आपको दीदार कराएंगे। दोस्तों आपने वानखेड़े स्टेडियम देखा है जो कि चर्च गेट स्टेशन के पास में है, उस जगह को दिखाएंगे। मेट्रो जो थिएटर है और एल्फिस्टन कॉलेज जिसमें कि बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग वहां पर हुआ करती है, उस जगह को भी आपको दिखाएंगे। और ये पहले तो आपको ये पूरा का पूरा क्रॉफर्ड मार्केट हम आपको दिखा रहे हैं और इसके पश्चात हम आपको शूटिंग लोकेशन दिखाते हुए आपको चर्च गेट तक का सफर आपको तय कराएंगे दोस्तों। तो वीडियो में आप बने रहेंगे तो आपका ही फायदा होगा और आप देखेंगे तो हमारा भी फायदा हो जाएगा साथ में, इसलिए दोनों ही फायदे का काम करना आवश्यक है ना जिंदगी में। तो चलिए यहाँ से काफी शॉपिंग करने के बाद हम आपको यहाँ से आगे लिए चलते हैं। ये पूरा का पूरा क्रॉफर्ड मार्केट आप ये देख सकते हैं। एक बार फिर से हम आपको मुंबई का ये क्रॉफर्ड मार्केट दिखा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर आकर जैसा हमने बताया, आप यहाँ पर कपड़े खरीद सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स खरीद सकते हैं, जूते, चप्पल, एनिमल पेट्स, बर्ड्स, लेडीज आइटम्स और किराना का सारा सामान यहाँ पर आकर आप खरीद सकते हैं। ये पूरा का पूरा व्यू। चलिए अब हम टैक्सी पकड़कर आपको आगे का सफर, चर्च गेट तक का सफर आपको तय कराएंगे और बीच में दिखाएंगे बहुत ही खूबसूरत शूटिंग लोकेशन दोस्तों, जहाँ पर की शूटिंगें हुआ करती है मुंबई शहर में। और ये पूरा मुंबई शहर ही वैसे ही शूटिंग की नगरी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और ये यहाँ पर बड़े बड़े होलसेलर हैं कपड़े के थोक व्यापारी हैं, ड्राई फ्रूट्स के थोक व्यापारी हैं और शूज वगैरह के थोक व्यापारी हैं यहाँ पर। अगर आपको अपने घर में पेट्स लाना है तो उसके भी, ये समझ लीजिए पूरा होलसेल मार्केट दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के लिए यहाँ पर है। और आप यहाँ पर आकर अपना ये समझ लीजिए आप हजारों रुपया की सेविंग कर सकते हैं। अगर आपके घर में शादी ब्याह का कार्यक्रम है तो यहाँ पर सीधे चले आइए और आप यहाँ पर हजारों रुपए बचा सकते हैं। मुंबई का होलसेल मार्केट। और ये लेफ्ट साइड में हम ये आपको दिखा रहे हैं दोस्तों, ये मेट्रो थिएटर है यहाँ पर। और यहीं पर ये सेंट जेवियर्स कॉलेज जो कि एल्फेस्टन कॉलेज के नाम से भी जाना जाता है, ओ माय गॉड फिल्म में यहाँ पर शूटिंग की गई थी दोस्तों। आपने देखा होगा, आप जब भी फिल्म देखेंगे तो ये मेट्रो थिएटर को यहाँ पर उस फिल्म के दौरान दिखाया गया था। और ये पूरा का पूरा चौराहा ये सामने आप देख रहे हैं मेट्रो थिएटर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही प्राचीन और बहुत ही पुराना ये मेट्रो थिएटर है और बहुत ही फेमस है। और इसे स्पेशल 26 मूवी में, ओ माय गॉड मूवी में, बहुत सारी फिल्मों में इसको दिखाया गया है। और यहाँ से अब हम आपको आगे लिए चलते हैं चर्च गेट स्टेशन और आपको वानखेड़े स्टेडियम दिखाएंगे जो कि जहाँ पर कि आईपीएल और पूरा वर्ल्ड कप होता है, मुंबई शहर का सबसे बड़ा स्टेडियम दोस्तों।
तो ये यहाँ से मेट्रो थिएटर के बिल्कुल करीब ही है। एक्चुअली ये मेट्रो थिएटर मरीन लाइंस और चर्च गेट स्टेशन के बीच में पड़ता है दोस्तों। आप चर्च गेट स्टेशन उतर के भी थोड़ा रिटर्न आके यहाँ पर इस जगह पर आ सकते हैं, या मरीन लाइंस जो चर्च गेट स्टेशन से पहले वाला स्टॉपेज है मरीन लाइंस, वहाँ पर उतर कर भी यहाँ पर आ सकते हैं। ये मस्जिद है बीच में, और जैसा कि भाई हमारे मुंबई क्या पूरे भारतवर्ष में हर मजहब का बहुत ही इज्जत की जाती है, भले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी है, सभी लोग इवन हर कंट्री में ये सब रिस्पेक्ट दी जाती है हर मजहब को। और ये हम आपको लेकर आ चुके हैं दोस्तों, ये चर्च गेट स्टेशन की ओर हम जा रहे हैं, और ये सामने आप ये देख रहे हैं दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम, जहां पर कि आईपीएल और वर्ल्ड कप के मैचेस होते हैं क्रिकेट के। ये पूरा का पूरा आप ये देख सकते हैं वानखेड़े स्टेडियम दोस्तों, ये बिल्कुल चर्च गेट स्टेशन से लगा हुआ है। अगर आप मुंबई में आते हैं और चर्च गेट स्टेशन पहुंच जाते हैं तो आप वानखेड़े स्टेडियम पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा, जो लोग मुंबई शहर में आना चाहते हैं, एस्टैब्लिश होना चाहते हैं और कुछ पैसा बचाना चाहते हैं, तो ये वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपकी इच्छा है तो। बाकी तो यार सबका ऊपर वाला सबका रखवाला है, कोई टेंशन नहीं लाइफ में, और अपना ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए और जिंदगी में जितना हो सके सबका भला कीजिए। तो दोस्तों गुड बाय, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, फिर मिलते हैं आपसे मुंबई के ऐसी ही अद्भुत जानकारी के साथ में दोस्तों आपसे।